Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दोस्तों, बुरी के मंदिर में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की आंखें फैली हुई क्यों हैं? ये हर मनुष्य के लिए आश्चर्य का विषय है कि जगन्नाथ पुरी के मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ राधा क्यों नहीं है, और दूसरा, तीन भाई बहनों की आंखें इतनी फैली हुई क्यों हैं? दोस्तों, इस विषय में एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है, तो आइए जानते हैं। एक बार माता यशोदा माता देवकी के साथ द्वारका पधारी। वहां कृष्ण की रानियों ने माताओं से कृष्ण के बचपन की लीलाओं का वर्णन करने का अनुरोध किया। उनके साथ बहन सुभद्रा भी थी। माता यशोदा ने कहा कि वह उन्हें कृष्ण तथा उनकी गोपियों की लीलाएं तो सुना देंगी, पर ये कथा कृष्ण और बलराम के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सुभद्रा द्वार पर पहरा देने के लिए तैयार हो गई। माता ने लीलाओं का गान शुरू किया। भगवान की लीला का रसपान करने में सब अपनी शुद्ध-बुद्ध खो बैठे। सुभद्रा को भी पता नहीं चला कि कब भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहां आ गए और उनके साथ ही कथा का आनंद लेने लगे। बचपन की मधुर लीलाओं को सुनते सुनते उनकी आंखें फैलने लगी। सुभद्रा की भी यही दशा हुई, वह आनंदित होकर पिघलने लगी। उसी समय श्री नारद जी वहां पधारे। किसी के आने का एहसास होते ही कथा रुक गई। नारद जी भगवान संग बलराम और सुभद्रा के ऐसे रूप को देखकर मोहित हो गए। वह बोले, भगवान, आपका यह रूप बहुत सुंदर है, आप इस रूप में सामान्य जन को भी दर्शन दें। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वह इस रूप में अवतरित होंगे। जगन्नाथपुरी में भगवान का यही विग्रह मौजूद है, जिसमें वह अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ हैं। परंतु यह विग्रह भी आधा अधूरा सा क्यों है, इसके पीछे भी दोस्तों एक पौराणिक कथा है। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्र नील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मलावा नरेश इंद्रद्युमन को स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए, उसे एक दारू का लट्ठा मिलेगा, उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठ भी मिल गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बड़ी कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वे एक माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आए। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज़ नहीं आई, तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियां अभी अपूर्ण हैं, उनके हाथ अभी नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब दैववश हुआ है और यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ मंदिर में स्थापित की गईं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.